देवरिया जनपद में अगर कोई सड़क सबसे ज्यादा चर्चा में है तो देवरिया और पकड़ी मार्ग, उसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन है। वहीं बात करें विपक्ष की तो विपक्ष वहां पर भजन कीर्तन गा रहा है तो कहीं धान की रोपाई कर रहा है सड़क पे। ऐसे में हमारे साथ यहाँ मौजूद है पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जयप्रकाश निषाद जी जो रुद्रपुर से, इनसे जानेंगे कि सड़कों को लेकर क्या हो रही है और जो सड़क है जिले में सबसे ज्यादा चर्चा की विषय बन गई है। देखिए सड़क तो बहुत है, सड़क तो हमारा रुद्रपुर कपड़वार मार्ग भी कुछ टूट गया है जिसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, टेंडर में गया है। वो सड़क का काम बहुत तेजी से टेंडर होने के बाद शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से बेलडाड कठलेया मार्ग भी था, उसका भी शिलान्यास हो गया, वो भी पंजेसवाई से सड़क बन जा रही है। हमारे यहाँ की जितनी सड़कें थी, चाहे रुद्रपुर भुसौल मार्ग हो, रुद्रपुर नारायणपुर नगवा मार्ग हो, जो है देवरिया रुद्रपुर कराकोल मार्ग हो, चाहे राम लक्षण से ले देवरिया राम लक्षण खुरमा कनौली मार्ग हो, चाहे रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग हो, चाहे जो है भलुवनी रुद्रपुर बाया पकड़ी मार्ग हो, सारे सड़कों का मरम्मत का कार्य हुआ है। और रहा सवाल पकड़ी बाजार का, पकड़ी बाजार का पिछले सरकार में भी हम सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था। अब वो सड़क चूंकि उसका इस्टीमेट 47 करोड़ रुपए का PWD विभाग ने भेजा था और उसको 2 लेन करना है, 1 लेन से 2 लेन की सड़क बनानी है, उसके किनारे किनारे पानी निकासी के लिए जगह नालियां बनाने की प्रावधान किया गया है, बस्तियों में CC सड़क बनाने का प्रावधान किया गया है, इसलिए उसका इस्टीमेट लगभग 47 करोड़ का गया था। उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया, उसके बाद वो सड़क चली गई नाबार्ड में। नाबार्ड का हेड कार्यालय बंबई होता है, बंबई गया हेड कार्यालय ने, नाबार्ड ने वहां से कुछ क्वेरी भेजा था कि आप बताइए इतनी लंबी सड़क का आपने इतना ज्यादा इस्टीमेट दिया है, आपका क्या क्या प्राविधान है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेरी मांगा था। उसका क्वेरी का निस्तारण हो करके PWD विभाग देवरिया ने शासन के माध्यम से जो है नाबार्ड विभाग को भेजवा दिया है। हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर उसका पैसा आ जाएगा और आने के बाद टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद वो सड़क जब बन जाएगी तो हमको लगता है विरोधी जो आज बात कर रहे हैं, अरे जिसके पास उनके कहने से उनके माता पिता उनके भाई तक नहीं बात सुनते होंगे, अपना वोट का तो उनका खुद नहीं ख्याल रहता है, ऐसे ऐसे ओछे लोग, कुछ मुट्ठी भर कांग्रेसी लोग जो जिनको मौका दिया जनता ने लेकिन उन्होंने कभी किसी कोई काम नहीं किया, लेकिन आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सड़क ये सही है कि धीरे धीरे चलते चलते वो सड़क पहले हमारे PMJSY के से बनी थी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से, और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से वो हैंड ओवर हुआ है PWD को। PWD ने प्रपोजल जो भेजा है उसकी स्वीकृति मिल गई है, 1 सप्ताह के अंदर वो पैसा आ जाएगा, स्वीकृति उसकी भी आ जाएगी और आने के बाद यथाशीघ्र वह सड़क 2 लेन बनेगा, जहाँ जहाँ चौराहे हैं, जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं वहाँ वहाँ वो CC सड़क बनेगी, शेष मैदान में वो जो है ये पेंटिंग की सड़क बनेगी, बाकी दोनों किनारे नाली बनेगी। वह सड़क जब बन जाएगा तो हमको लगता है इन लोगों का चेहरा और सुपड़ा खुद साफ हो जाएगा कि ऐसा सड़क कभी देखा है क्या, ऐसी सड़क बनने जा रही है। सरकार 9 साल की जो उपलब्धि है उसे मना रही है लेकिन विपक्ष उसको महंगाई के मुद्दे को लेकर दबा रही है। अब नहीं समझ पा रहे हैं, आज के 5 साल पहले 10 लाख रुपए बीघी जमीन थी, आज के 10 साल पहले जो जमीन 10 लाख रुपए बीघे थी आज वह जमीन 30 लाख 40 लाख रुपए बीघे पर पहुंच गया। जो आदमी 10 साल पहले अगर 3 डिसमिल जमीन लिया होगा 10 लाख में तो वह जमीन आज जो है 40 लाख में बिक रही है, तो महंगाई किस चीज का नहीं बढ़ा। जो मजदूर पहले 250 रुपए पर नौकरी करता था वो आज 450-450 रुपए मजदूरी पा रहा है। तो मेरा ये कहना है जब हमारा देश के हर व्यक्ति का GDP ग्रोथ बढ़ेगा, आय बढ़ेगा,
वैसे थोड़ा बहुत महंगाई भी बढ़ेगी, तो उसमें यह कोई आज नई बात हो गई क्या? देश आजाद हुआ उस समय क्या था? देश आजाद होने के 15 साल बाद महंगाई किस स्तर पर पहुंची थी? 15 साल आजाद होने के 30 साल के बाद महंगाई किस स्तर पर पहुंची थी? 50 साल के बाद किस स्तर पर पहुंची थी? तो महंगाई तो जैसे जैसे आम आदमी का आय बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है। और जो महंगाई की मुद्दा की बात कर रहे हैं वो सत्ता में नहीं रहे हैं क्या? उनको जनता ने देखा नहीं है क्या? लंबे समय तक कांग्रेस को देखा, मूली जुली सपा बसपा कांग्रेस की सरकार को भी देखा है, जनता ने सबको मौका दिया है, किसके समय में नहीं रहा है। यह महंगाई की बात करने वाले लोग इस सरकार के खिलाफ जब कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं विरोध करने के लिए तो केवल एकमात्र महंगाई की बात करते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि आप 10 साल पहले जो जमीन लिया था उसकी कीमत आज आप कितना मांग रहे हो, ठीक 4 गुना मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, तो स्थिति वही है, विरोध का काम है। अगर नहीं कोई मुद्दे मिल रहे हैं तो झूठे मूठे प्रचार करना, विरोध करना। सर, ग्लोबल इन्वर्टर समिट के द्वारा ये बताया गया था कि हर जनपद हर विधानसभा में कोई ना कोई कंपनी ऐसे बैठाए जाएंगे जो युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे विधानसभा में बैठा है, अभी हमारे विधानसभा में एक इतनी बड़ी कंपनी उसरा बाजार में बैठी है जो शराबी बनाने का काम करेगी। वो चावल के खंडे से का भी उपयोग करने जा रही है, वो जो किसानों के एक्सेस सामान है उसका भी उपयोग करने जा रही है, और बहुत बड़ी फैक्ट्री उसरा बाजार में लगी है। तो इस प्रकार से सरकार का तो चल रहा है, जाके देखिए औद्योगिक क्षेत्र में कितने बड़े बड़े राइस मिल, कितने बड़े बड़े फ्लोर मिल, कितने बड़े बड़े चप्पल और जूते के उद्योग, बर्तन के उद्योग, सूटकेस बनाने वाले उद्योग, तमाम प्रकार के उद्योग काम कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्तमान सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है, इन्वेस्टर समिति के माध्यम से पैसे का इन्वेस्ट कराया है, और उस इन्वेस्ट के माध्यम से आम जनता को रोजगार भी देने का कार्य किया है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना देवरिया जनपद की बहुत चर्चित जो सड़क है पकड़ी देवरिया मार्ग, उसको लेकर जैसे उन्होंने बताया कि जल्द ही उसकी निर्माण होगी, जल्द ही आने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।